वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से कहीं खुशी कहीं गम है। कांग्रेस शिवसेना दूसरे दल अर्नब की गिरफ्तारी पर ऐसे खुश हो रहे हैं मानो लोकसभा चुनाव ही जीत लिया है। वजह सिर्फ इतनी है कि अर्नब कांग्रेस और शिवसेना को आईना दिखा रहे थे, अपने शो के माध्यम से सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये ना ही कांग्रेसियों से देखा गया और ना ही हिंदुत्व का ढोंग करने वाली शिवसेना से देखा गया। अर्नब को एक पुराने मामले में महाराष्ट्र सरकार ने षड्यंत्र रच कर फंसा दिया है। अर्नब को जब से जेल हुई कांग्रेस नेता ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अर्नब पर निशाना साधना बहुत महंगा पड़ गया है। सिंघवी ने अर्नब का समर्थन कर रहे लोगों पर निशाना साधा और लिखा, भक्तों को अर्नब में रब दिखता है। सिंघवी के इस ट्वीट का जवाब फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने दिया। अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक महिला को जज बनाने का सपना दिखाकर उसका शोषण करते हुए वो वीडियो शायद आपका ही था ना? और फिर जब आपको और आपके साथियों को एक इटालियन में अपनी माँ दिख सकती है तो कुछ लोगों को अर्नब में रब क्यों नहीं दिख सकता है? देश के दुश्मनों को खत्म करने वाला रब ही कहलाता है। अशोक पंडित के इस बयान के बाद सिंघवी ट्विटर से ही गायब हो गए, लेकिन अशोक पंडित के इस ट्वीट पर तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आए। मानवेंद्र सिंह के एक यूजर ने अभिषेक मनु सिंघवी के लिए लिखा, हमें वकील के तौर पर आपसे बेहतर उम्मीद थी, पुलिस वाले कोर्ट के द्वारा बंद किए गए केस को कैसे खोल सकते हैं? वहीं उर्मिला नाम की एक यूजर ने लिखा, रब नहीं सर भक्तों को भगवान दिखते हैं और भक्तों को अपने भगवान का पता होता है। अर्नब में उनको एक योद्धा दिखता है जो घिर गया है। धर्म कहता है कि सच्चाई के लिए लड़ने वालों का साथ दो। दरअसल सुशांत की हत्या और पालघर मामले पर मुखर होकर आवाज उठाने के बाद से ही महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अर्नब पर भिड़ी हुई थी। पहले तो अर्नब को एक फर्जी टीआरपी मामले में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन अर्नब उस मामले में नहीं फंसे तो मुंबई पुलिस ने उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासत अभी भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। अब्दुल्ला कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पर सियासत कर फंस गए हैं। बीजेपी के बाद अब शिवसेना ने भी फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम जगजाहिर है। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर चीन का राग अलापना शुरू कर दिया था। फारूक ने कहा था कि चीन की मदद से एक बार फिर अनुच्छेद 370 लागू किया जा सकता है। फारूक की ऐसी बयानबाजी पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हुए कहा है कि वो वहां जाकर धारा 370 लागू कर सकते हैं। राउत ने कहा कि भारत में अनुच्छेद 370 और 35 ए के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल पिछले एक साल से ज्यादा समय में पहली बार जम्मू में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय भावुक होकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य के लोगों का संवैधानिक अधिकार बहाल होने तक वो नहीं मरेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के लोगों से झूठे वादे करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू में अब्दुल्ला की ये पहली राजनीतिक बैठक थी। हालांकि अब्दुल्ला समेत तमाम स्थानीय नेता ये समझ चुके हैं कि दोबारा अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो सकता है। बीते दिनों पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयानों में भी नरमी देखने को मिली है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए पीडीपी और एनसी अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। राज्य के सियासी माहौल को देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ के घर अभी से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कमलनाथ और कांग्रेस बीजेपी के प्लान बी से डरी हुई है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार जिन 7 विधायकों के सहारे चली उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक एवं मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, दिल्ली विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी की अलग अलग बंद कमरे में मुलाकात के बाद सियासत तेज हुई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो बीजेपी की सक्रियता को देखते हुए पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। सभी नेता अलर्ट मोड पे आ गए हैं। सभी विधायकों को भोपाल पहुंचने का संदेश भेजा गया है। कमलनाथ चाहते हैं कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भी सभी विधायक एकजुट रहें। यही वजह है कि सभी विधायकों को भोपाल बुलाया गया है और 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई है। कमलनाथ इस बहाने ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के सभी विधायक उनके साथ हैं और किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस के विधायक नहीं टूटेंगे। हालांकि कमलनाथ के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 11 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो कमलनाथ विधायकों के एकजुट करने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि एमपी उपचुनाव का परिणाम बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को डर सता रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद उसके कई विधायक बीजेपी में न शामिल हो जाएं।
यही वजह है कि कमलनाथ अपने विधायकों को एकजुट करने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस में कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अगर कांग्रेस की हार होती है तो पार्टी में कमलनाथ का कद कम हो सकता है। कमलनाथ के बजाय कांग्रेस किसी दूसरी युवा नेता को एमपी की कमान सौंप सकती है। यही वजह है कि उपचुनाव के परिणाम से पहले ही कमलनाथ की नींद उड़ गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की मांग को लेकर सियासत कर रहे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरों में अब बदलाव नजर आ रहा है। करीब एक साल बाद रिहा हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से देश विरोधी बयानबाजी कर रहे थे और अनुच्छेद 370 की मांग कर रहे थे। हालांकि दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। पीडीपी के कई नेताओं ने महबूबा के बयानों से नाराज होकर पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात को देखकर यही लग रहा है कि अब यहां के लोग पीडीपी और एनसी की राजनीति को समझ गए हैं। उधर महबूबा और फारूक के बयानों का बीजेपी सहित दूसरे दलों ने जमकर विरोध किया। अब दोनों ही पार्टियों के रुख में नरमी देखी जा रही है। महबूबा को अब अचानक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर याद आने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि ये मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, बीजेपी के एजेंडों पर नहीं। इनके हाथ में तिरंगा है लेकिन उसके पीछे एजेंडा बर्बादी का है। जो संविधान ने हमें दिया है हम उसे वापस लेना चाहते हैं। ऐसा ही बदलाव इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के बयानों में भी दिखाई दे रहा है। वे अब धमकी के बजाय भाईचारे की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा रिश्ता महात्मा गांधी वाले हिंदुस्तान के साथ है, बीजेपी के एजेंडों के साथ नहीं। घाटी में बदली परिस्थितियों और जनता के बदलते मूड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस थक गई है। उनका ये बदलाव अब उनके बयानों में साफ झलकने लगा है। वे पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर, संविधान और तिरंगे की बात करने लगी हैं। सवाल ये है कि जिस आर्टिकल 370 को देश की संसद ने खत्म किया है उस संसद में देश की भावना छिपी है, फिर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को किस बात का डर है? चिंता जम्मू कश्मीर की है या फिर अपनी राजनीतिक जमीन की? वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। बीजेपी अर्नब के बहाने शिवसेना और उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, लेकिन शिवसेना को बीजेपी का ये अंदाज रास नहीं आ रहा है। अर्नब का समर्थन करने पर शिवसेना ने गोधरा कांड को बीच में ला दिया है और मामले में गृह मंत्री अमित शाह को भी घसीटा है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने गोधरा कांड के बाद अमित शाह का भी इसी तरह से समर्थन नहीं किया था जिस तरह से वो महात्मा अर्नब गोस्वामी का कर रही है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा है कि गुजरात में अमित शाह समेत कई नेताओं को जब गोधरा कांड और दूसरे मामलों में जो विरोध झेलना पड़ा था उसके बाद शाह ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने कोई आंदोलन नहीं किया था और न ही सड़कों पर उतरकर कानून को चुनौती दी थी। शिवसेना बीजेपी से इसलिए भी चिढ़ी है क्योंकि पिछले दिनों अर्नब मामले को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। वहीं राम कदम विधानसभा के सामने धरने पर भी बैठ गए थे। अर्नब के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अर्नब की गिरफ्तारी पर उद्धव सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए बोला कि वो कितने भी कुंदस क्यों ना निकाल ले, लेकिन अर्नब बेकसूर ही साबित होंगे। उनके मुताबिक अर्नब निर्दोष साबित होंगे, चाहे अपने कितने भी कुंदस निकाले उद्धव सरकार और कितने भी पैतरे खेले जाए। एक संपादक के ऊपर एक दर्जन केस करते हैं और गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पर नजर रखते हैं, शर्म की बात है। उद्धव ठाकरे हो या सोनिया गांधी कितने भी फर्जी मामले करें, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट अर्नब के साथ होगी और इंसाफ होगा। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मई 2018 के आत्महत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की है और अर्नब की गिरफ्तारी की तुलना आपातकाल से कर दी है। इसी पर शिवसेना ने नाराजगी जाहिर की है। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब इंतजार चुनाव नतीजों का है। सबकी निगाहें 10 नवंबर पर टिकी हुई है।
जब फैसला होगा कि बिहार की सत्ता पर काबिज इस बार कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। लेकिन इससे पहले विभिन्न चैनलों के सर्वे सामने आने लगे हैं। कई चैनलों के सर्वे में बेहद चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं। सर्वे की माने तो इस बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई कांटे की है। वहीं चिराग पासवान भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी उभर रही है। बीजेपी को 63 सीटें मिल सकती है, जबकि जेडीयू कम से कम 58 सीटों के साथ राजद की 52 सीटों से थोड़ा ही आगे नजर आ रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन को सबसे अधिक 120 सीटें मिल रही है। वही एनडीए को 116 सीट, एलजेपी को 1 और अन्य को 6 सीट मिल रही है, जबकि रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 118 से 138 सीटें दी गई है। वही एनडीए गठबंधन को 91 से 117 सीटें दी गई है। दोनों गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला दिखाया गया है। अन्य को 8 से 14 सीटें दी गई है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120 सीटें दी गई है। अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 104 से 128 सीटें दी गई हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 108 से 131 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। इस बार बिहार में लड़ाई दिलचस्प है। सर्वे के मुताबिक महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा कि इस बार बिहार की गद्दी पर चौथी बार नीतीश कुमार बैठते हैं या फिर लालू पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।